हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के बारे में इस वक्त में सोच रहे हैं, उस पर्सन का अभी इस वक्त में आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। क्या ये भी पर्सन इस वक्त में आप ही की तरह आपको सोच रहे हैं या नहीं, सोच रहे हैं तो क्या। तो ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी है ये जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को उसी तरह से लेना है, ठीक है। यानी कि हर एक बात में अपने आप को फिट आपको नहीं करना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही व्यूअर्स, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी तो जब भी आपके सामने व्यूअर्स आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये पर्सन अभी इस वक्त में किस एनर्जी में है और आपको लेकर इस पर्सन का क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए डिवाइन। ये पर्सन अभी इस वक्त में किस एनर्जी में है, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की एनर्जीज के बारे में बताइए, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका पेज ऑफ वैंड्स। ओके, काफी इमैच्योरिटी मुझे इस पर्सन की एनर्जीज में व्यूअर्स दिखाई दे रही है। एज एन जैसे कि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी पेज ऑफ वैंड्स है, वो ये चीजें बता रहा है कि इस इंसान का ना आपसे बात करने का डेफिनेटली बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, लेकिन ये पर्सन अपने इस दिल को काफी ज्यादा इमैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि जो दिल कह रहा होता है उसकी सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बजाय अपनी दिल की सुनने के यहाँ पर ना अपने आप को उस एनर्जी से दर्द दे रहे हैं, उस एनर्जी से परेशान हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक ऐसी सोच मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि ये चाहते हैं आपसे बात करना, और वो चाहत इस इंसान को आपसे जुड़ी हुई हर एक याद की तरफ लेकर जा रहा है। हर एक मेमोरी जो इनके पास अभी भी है, जिसे इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभाल कर अभी भी रख रखा है, उस तरफ इन्हें लेकर जा रहा है। लेकिन स्टिल ये पर्सन बजाय यहाँ पर एक्शन लेने के अपनी फीलिंग्स से अपने आप को दर्द दे रहे हैं, अपने आप से उस चीज़ को सोचकर परेशान हो रहे हैं, और अपनी उस एनर्जी से ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहे हैं उससे ही, जैसे झूठ बोलने की कोशिश इंसान कर रहे हो, तो उस तरह की कश्मकश में मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपसे जुड़ी हुई जो भी यादें इस पर्सन के पास हैं, चाहे वो आपका कोई सामान हो, आपका कोई फोटो हो, आपका डीपी हो, आपने कोई तोहफा इन्हें दिया हो, या अभी भी इनके पास आपका बहुत सारा स्टफ हो, उसे जैसे सीने से इस इंसान ने लगाकर रख रखा है, और उन यादों के सहारे ये पर्सन आपसे बात करने की चाह रख रहे हैं। लेकिन वही चीज आ गई, उस यादों से अपने आप को दर्द दे रहे हैं, उस यादों को याद कर करके अपने उस दर्द को महसूस तो करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू, लेकिन उन यादों से ये दूर अपने आप को ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि आपसे बात करने की हिम्मत जुटाए। उसके पीछे का रीजन भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे कि व्यूअर्स यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप ही इन्हें कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहा है, वो करेज वो हिम्मत इन्हें बटोरने से रोक रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप अब इस इंसान से किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, किसी तरह की उम्मीद आप रख रहे हो, या उसके अलग दूसरी यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और इस इंसान को आपसे बात
बात करने से रोक रहा है। तो इस चीज को हम क्लैरिफाई करते हैं और साथ में ये देखेंगे और किस एनर्जी में ये पर्सन है। व्यूअर्स, अभी तक जो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में राशियां दिखी हैं वो यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो तीन एलिमेंट्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स। नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 13, 4, 3, 7, 11 एंड 2 एंड मंथ्स की बात करी जाए तो अप्रैल, मार्च, जुलाई, नवंबर और फरवरी। तो ये आपसे किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हैं, बताइए आपको इसलिए जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो पाए कि ये रीडिंग कितनी आपके लिए है और कितनी नहीं। बाकी का तो और टैरो से देखा जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहली सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा है, आखिर ये क्वीन ऑफ वैंड्स कौन है, किसकी एनर्जी है जिससे बेसिकली ये पर्सन रहे हैं डर, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी ही फीलिंग्स, अपनी ही यादों से जो इन्हें आपकी आ रही है उससे ये पर्सन भाग रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर ये किसकी एनर्जी है जो व्यूअर्स के पर्सन को इस वक्त में इमैच्योरिटी की तरफ लेकर जा रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन आखिर ये किसकी एनर्जी है। 1, 2, 3 एंड 4 ओके, तो यहाँ पे है द लॉर्ड, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो काफी अथॉरिटिव है, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पर दिख रही है, एज एन इनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर। ये चीजें यहाँ पर पूरी तरह से श्योर है कि आपकी एनर्जी नहीं है, ये किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो आप दोनों की जिंदगी में यहाँ पर है और जो आपके पर्सन को बजाय यहाँ पर आपसे बात करने के यहाँ पर इनके एक्शंस को कंट्रोल करे हुए बैठी है या बैठा है। मुझे यहाँ पर एक कपल की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, चाहे तो फिर ये इनके पेरेंट्स हो, इनके भाई और उनकी वाइफ हो, इनकी सिस्टर, उनकी वाइफ हो, इनके फ्रेंड उनकी वाइफ हो, मतलब एक कपल की एनर्जी मुझे दिख रही है, या इनके भाई और बहन भी यहाँ पर हो सकते हैं। एक फादर फिगर यहाँ पर है जो काफी स्ट्रॉन्ग में है, जो बेसिकली आपके पर्सन को आपकी यादें आने के बावजूद भी यहाँ पर इन्हें रोक रही हैं। ठीक है, मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन ना आपको इन यादों के आने की वजह से सोशल मीडिया पर स्पाई भी कर रहे हैं, लेकिन इनके इन्हीं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा निगाहें भी रखी जा रही हैं, यानी कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है ये किससे बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि इनके पास इनके पासवर्ड तक हो, इसकी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। और कहीं ना कहीं जो भी इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करा, ब्रेकअप करा, या आपके साथ विश्वासघात करा, आपकी बैग के पीछे आपकी खुशियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं दफन कर दिया ना, उसके पीछे का रीजन भी यही है। जिनके सामने ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा कम पा रहे हैं, या जिनके सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा पा रहे हैं, या वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे चाहत होने के बावजूद भी, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स कि इन्हीं की वजह से इस इंसान ने अपनी खुशियों को आग लगाई है, इन्हीं की वजह से इस इंसान ने अपने रिश्ते को यहाँ पर ख़त्म करा है, और यही वो रीज़न बन रहा है जिन्होंने आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। रीजन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, या तो आप लोगों के बीच में एज गैप ज्यादा है जिस रीजन की वजह से इतने रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा हैं, उस जिम्मेदारियों के नाम पर इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। देखिएगा, अगर किसी को रोका जाना है, अगर किसी को रोकना है, तो उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं और वही सारे एक्सक्यूजेज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं एज अ वॉल आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर क्रिएट करे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक भी कर रखा है ना, तो उसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि इन्होंने इनका भरोसा इतने अच्छे से यहाँ पर जीत रखा है कि आपको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक कर चुके हैं,
लेकिन जब दिल इनका कभी कभी पसीज जाता है, आपकी याद दिला जाता है, तो ये आपको ब्लॉक से अनब्लॉक भी करते होंगे। कुछ लोगों के केस में ये भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, ये देखते हैं व्यूअर्स कि आखिर कौन सी याद है जो इस इंसान को इस वक्त पे ना याद भी आ रही है और दर्द भी दे रही है, उसको देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए, डिवाइन थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लारिफाई कीजिए और बताइए आखिर कौन सी याद है जो व्यूअर्स के पर्सन को इस वक्त में दर्द भी दे रही है और याद भी आ रही है। गाइड कीजिए, जो इन्हें डिप्रेशन की तरफ तक लेकर जा रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 1, 2, 3 and 4। ओके, द टावर, द वर्ल्ड, द मून एंड जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे ना मेजर अरकानास बहुत सारे आए हैं। मेजर अरकानास बेसिकली ये चीजें बताते हैं कि ये चीजें बहुत सॉलिड वे में है, मतलब ये जो एनर्जी है काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है कि अब आप लोगों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, यानी कि दिलों में भी दूरियां आ रही हैं धीरे धीरे, इनकी वजह से ही क्यों ना सही। यानी कि जितना ये आपकी एनर्जीज को पहले महसूस कर पाते थे, आप कर पाते थे, वहां पर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो हुए हैं। यहाँ पर ना चारों मेजर अरकाना से आए हैं व्यूअर्स। देखिए, ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन एक डिप्रेशन में अपने आप को पा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इन्हें ना ये एहसास होता है उन यादों के साथ ये आपको खो बैठे हैं, इन्होंने आपको खो दिया है, या आप दोनों की जिंदगी में ये जो भी बीते दिनों में एक टावर मोमेंट आया है ना, ये अब उसे संभाल नहीं पाएंगे, उसे सही नहीं कर पाएंगे। वो एहसास ना इस पर्सन को डिप्रेशन की तरफ, दर्द की तरफ लेकर जा रहा है। यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं ना इस पल में, उतना ज़्यादा ये पर्सन उन चीज़ों को भी देख रहे हैं, उनका कन्फ्रंट कर रहे हैं जो बेसिकली बीते दिनों में, अतीत में इस इंसान ने आपके साथ करा। जैसे वॉक अवे कर दिया हो, या फिर इन्होंने आपको वो बैलेंस ना दिया हो, वो न्याय ना दिया हो, वो कमिटमेंट ना दिया हो, या आपको अच्छी बुरी सुनाई हो। आप दोनों जो कभी एक वक्त में एक दूसरे के लिए बोला करते थे, आप दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ बोल बैठे, बोल रहे हो, तो ये पर्सन उन चीजों को भी याद कर रहे हैं। यानी कि वक्त वक्त की बात है, कभी एक ऐसा वक्त था जहां पर आप दोनों एक दूसरे की बात से सहमत हुआ करते थे, ये भी सहमत हुआ करते थे, और आज वो वक्त है जहां पर आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे की बात से सहमत नहीं हो पा रहे हो, बजाय सहमत होने के आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों के सिवा और कुछ नहीं हो रहा। जितना ज्यादा ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आप इनके लिए हर तरह से परफेक्ट रहे हो, यानी कि एक जैसे परफेक्ट जीवन साथी कि आप अपनी लाइफ में एक इमेज बनाते हो, उस पर आप जिस तरह से भी खरे उतरे हो, वो भी एक तरफ याद आ रहा है, और वो अतीत भी याद आ रहा है जिसमें इन्होंने आपको अपनी जिंदगी से खुद से दूर धकेल दिया। चाहे फिर वो आपको मान सम्मान ना देकर हो, आपसे लड़ाई करके हो, तो ओवरऑल यहाँ पर ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हर छोटे छोटे पल जिसमें साथ रहे हो, प्यार बांटा है, भरोसा बांटा है, वो पल जिसमें थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर आपको अपने आप से दूर भी धकेला है। तो सभी बातों को जितना ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू एक फ्लैशबैक की तरह देखा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है, उतना ज़्यादा ये इंसान दिल से अपने आप को टूटा हुआ पा रहे हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों के पीछे इस इंसान की इच्छा नहीं थी। ये चीज़ें अगर इनकी इच्छा होती तो ये आज भी आपसे जुड़ी हुई यादों को सीने से लगाकर नहीं बैठे होते। इनका दिल अभी भी यही है कि आप इनकी गलतियों को, जो भी बीते दिनों में इनसे गलतियां हुई हैं, आप इनकी गलतियों को माफ़ करके इन्हें फिर से स्वीकार कर लो, इन्हें फिर से मौका दे दो। लेकिन वही चीज़ है ना कि यहाँ पे व्यूअर्स ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कल भी थी आज भी है। यहाँ पर मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है इन दोनों के बीच में भी एज गैप हो। ठीक है, पेज ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस चीज को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन की सोच, व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही है, व्यूअर्स के पर्सन अब बात करने को लेकर व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 1, 2, 3 एंड बॉटम लेंगे।
काफी क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है, काफी करीब काफी क्लोज ये रिश्ता एक वक्त में आया है जिसे ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और जिस रीजन की वजह से ये आप ही की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं उसे इस इंसान के थ्रू पूरी तरह से यहाँ पे समझा जा रहा है। भले ये पर्सन इनके आगे कुछ नहीं अपने आप को काउंट कर पा रहे हैं लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते में जितना करीब आए हैं ना वो सभी एहसास इस इंसान को है। यहाँ पर ना व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि देखो वक्त वक्त की बात है, एक वक्त ऐसा था जब आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे से बात करे बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे के करीब आए रह नहीं पाते थे, तो एक वक्त ऐसा था और आज एक वक्त ऐसा आया है जिसमें इन्होंने ही आपको ब्लॉक कर रखा है, इन्होंने ही आपको अपनी तरफ आने से रोक रखा है, ना आपको अपनी तरफ आने दे रहे ना खुद आपकी तरफ आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं कि वक्त वक्त की बात है, एक वक्त पे आप दोनों बैठकर बस वो सपने बुना करते थे जिन सपनों को आप रियलिटी में जीने की चाह रख रहे थे और एक वक्त ऐसा आया है जहाँ पर हर वो काम करा जा रहा है जिससे ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, जिससे इस रिश्ते में डेथ ही हो जाए। ये पर्सन इस वक्त में कुछ इस तरह से भी फील कर रहे हैं कि ये भले जिंदा हैं इनके लिए या आपको दिखाने के लिए भले ये पर्सन जिंदा हैं लेकिन ये पर्सन कुछ उस तरह से अपने अंदर अपनी एनर्जीज को पा रहे हैं कि मरे के बराबर है। क्योंकि जब आप अपने सपनों को नहीं जी पा रहे हो, अपने सपनों में नहीं रह पा रहे हो, अपने प्यार करने वाले के करीब नहीं रह पा रहे हो ना, तो वो जीना ना जीना सब एक बराबर है। थोड़ा फिल्मी जरूर से लग रहा होगा व्यूअर्स, लेकिन यहाँ पर जो है आपको वो चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर वाटर एलिमेंट यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक भी आ गया है जिसमें आपका स्कॉर्पियो मुझे काफी स्ट्रांग में दिख रहा है। तो ओवरऑल जितने भी आप दोनों एक दूसरे के करीब आए हो ना, आपने एक दूसरे को छुआ है या एक दूसरे से जो भी आपने बात करी है क्लोज जो एक हस्बैंड या वाइफ करते हैं, तो वो उन सभी बातों को इस इंसान के थ्रू बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है और वही बातें इनकी फिर से दिल है आपसे फिर से करने की। तो यहाँ पर वही चीजें इस पर्सन के थ्रू सोची जा रही हैं। चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स इस एनर्जी एहसास के साथ ये पर्सन आपसे कहने की क्या चाह रख रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन इस एहसास के साथ व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड बॉटम लेते हैं 10। आई हैव ट्रस्ट यू, हो सकता है उस वक्त पे इस इंसान ने आपसे वॉक अवे करने के लिए आपसे कुछ ऐसा बोला कि ये आप पर भरोसा नहीं करते हैं और इन्हें अब इस रिश्ते से दूर जाना है। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि नहीं, इन्हें भरोसा है आप पे, आपके प्यार पे, इस रिश्ते पे, लेकिन उस वक्त पे एक्चुअली में इनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इन्होंने ऐसा आपसे बोला। प्लीज़ डोंट बी एंग्री एनी मोर, और उस बात पर अगर आप इनसे नाराज़ हो और उस बात पर नाराज़ होने की वजह से आप अब इनसे बात नहीं कर रहे हो तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। विल यू वेट फॉर मी, क्या आप अब इनका वेट कर रहे हो, आपसे पूछना चाह रहे हैं ये पर्सन। आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड, तो ये चीज़ें मैंने आपको बोली कि बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है इस इंसान की आपको फिर से देखने की। यू आर सो स्पेशल, आपसे कहना चाह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो इनके लिए। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि जानते हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, बट अगर ये आपसे दूसरा मौका मांगते हैं तो क्या आप इन्हें दूसरा मौका दोगे। आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी, तो बार बार इस पर्सन की तरफ से एक माफ़ी मांगने की एनर्जी आ रही है, एज एन इस वे में कि आप अगर इनकी गलतियों को माफ़ कर दोगे ना तो एक दिल जो है जिसपे बोझ लगा हुआ है, चढ़ा हुआ है, वो बोझ हल्का हो जाएगा। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू आपको ऑनलाइन देखा जा रहा है, चेक करा जा रहा है, ऐसा भी पर्सन आपसे कहने की चाह रख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है,
चलिए मूनोलॉजी से देखते हैं आखिर इस कनेक्शन को लेकर ये डिवाइन, ये यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, आखिर इस रिश्ते का क्या फ्यूचर रहेगा, क्या कुछ होगा इस रिश्ते में आगे, ये चीजें देख रहे हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आपसे ये बोला जा रहा है ये पर्सन इस वक्त में जिस भी एनर्जी में है ना, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस करा, ये डेफिनेटली एक मुकाम हासिल करेगी, यानी कि इस एनर्जी का कोई ना कोई आउटकम होगा, वो हमें देखना है क्या होगा। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और इवन आपने जितना भी इस रिश्ते पर वर्क करा है, हार्ड वर्क करा है ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी कि आपका करा हुआ मेहनत जो है वो खराब नहीं गया है ना जाएगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, जो सिचुएशन अभी है ना इस वक्त में, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड हो गई है, यही रहनी है, चेंज यहाँ पर होगा ऐसा बोला जा रहा है। और ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, यानी कि यहाँ पर वापस से ये प्यार आपकी जिंदगी में लौट कर आएगा, ये प्यार फिर से एक अपने नाम पर जरूर से चढ़ेगा, तो ऐसा आपसे यूनिवर्स बोल रही है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अभी आपके फेवर में आपके ग्रह नक्षत्र नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में जैसे ही चलने स्टार्ट होंगे, वैसे ही यहाँ पर आपका लक आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके करे हुए हार्ड वर्क अल्टीमेटली उनका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा, चीजें अपने आप से मूव करने लगेंगी, तो ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स बोल रही है। ठीक है, बस अपने आप को तो देखो, आपको खुद से पॉजिटिव रखना होगा, ऐसा तो यहाँ पर है व्यूअर्स। देखते हैं किस वे में यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाह रही है आपको रिजल्ट मिलेगा, या फिर ये एनर्जी किस वे में यहाँ पर मुकाम हासिल करेगी। जस्ट वन कार्ड देखते हैं व्यूअर्स, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर किस वे में ये कनेक्शन को इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए डेथ, यहाँ पर बेसिकली आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म होगा, भले अभी इस रिश्ते में यहाँ पर चीजें आपके फेवर में ना नहीं काम कर रही हैं, लेकिन ये जो भी चीजें अभी आपके फेवर में काम नहीं कर रही हैं, ये आपका और आपके पार्टनर का कार्मिक है, इस रीजन की वजह से आपके फेवर में यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आपका कार्मिक के पूरे होते ही चीजें आपके फेवर में काम करेंगी, एक नई शुरुआत के वे में, तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। समय जरूर से यहाँ पर लग रहा है और समय जरूर से यहाँ पर लगेगा, लेकिन चीजें जो एंड में आएंगी ना, तो आपको ये दर्द, ये तकलीफ, ये वक्त सब ऐसा लगेगा कि शायद ये जरूरी था, तो उस वे में यहाँ पर चीजों में ट्रांसफॉर्म आएगा, ये यहाँ पर है। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो व्यूअर्स, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, लेकिन फिर भी आपने लाइक नहीं करा, तो भाई जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।